हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज्जत में बताने जा रहे हैं गोला कबाब, लेकिन मेरी तरीके से, ठीक है। मैंने आधा किलो चिकन का खीमा ली हूँ, उसके लिए मैंने ली हूँ 3 बड़ी प्याज तलकर, उसका ब्रिस्ता ली हूँ। सब हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और बताते जाएंगे। अभी मिर्ची आपके हिसाब से लेना है, मैंने 12-15 मिर्ची ली हूँ, ठीक है। 2 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ मैं। इसमें सब इसलिए डाल रही हूँ कि हम इसको सब मिक्स करके फिर चॉपर में ग्राइंड करना है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ली हूँ, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ली हूँ, 2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स ली, क्योंकि थोड़ा तेज़ कबाब अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर ली हूँ और 1 टीस्पून मैंने सोट पाउडर ली हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और 1 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी इसके अंदर। ये पूरा मेजरमेंट किया हुआ है कॉर्नफ्लावर। और इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून बेसन, ये ग्राइंडिंग एजेंट है हमारा, ठीक है, ये देखो। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये देखो। और इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून थिक कर्ड, जो हमारे कबाब को मॉइस्ट करेगा, ठीक है। और खीमा इतना सूखा चाहिए हमको कि बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं चाहिए खीमे में। और दही को भी हम जब लेंगे तो उसको हैंग कर देंगे और उसके बाद उसको लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हमने 3 टेबल स्पून ले ली। अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें हम डाल के क्या करेंगे, इसको आपको ग्राइंड करके बताते। इसको हमको ग्राइंड करना है, सब मिक्स कर लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे और इस आगे आपको मैं बताती हूँ। देखो हमने ग्राइंड कर लिया एकदम बारीक, आपको मैं बताती हूँ। देखो एकदम ऐसा बारीक चाहिए, ठीक है, हमको गोला कबाब के लिए एकदम बारीक चिकन का खीमा, ठीक है। आप चॉपर में डाल, अगर आपके यहाँ चॉपर नहीं है तो आप बूचर को बोल के 2-3 बार ग्राइंड कर लो और उसके बाद मिक्सर में मसाला डाल के पीस लो, ठीक है। इसको हम कवर करके कम से कम 20 मिनट्स के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। इसके बाद आगे आपको मैं बताती हूँ कबाब बना। देखो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे कि पहले होल करेंगे इसके अंदर। हाँ, मैंने होल कर दी, सिल्वर फॉइल का एक कटोरी जैसा बना ली मैंने इसको। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोल रखेंगे, ठीक है। देखो ऐसा कोल रखेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि इसका धुआं आए, और हम इसको कवर कर दें पूरे अच्छे से, इसका धुआं अंदर ही रह जाए अच्छे से। 5-7 मिनट्स इसको छोड़ देंगे हम ऐसा ही, ताकि इसका अंदर इसकी खुशबू आ जाए, तंदूरी खुशबू आ जाए, ठीक है। आगे आपको बता दें। देखो मैंने ऑयल लगा लियो अभी, और अच्छे से हम राउंड शेप बना देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत बड़े बड़े नहीं लेंगे हम, छोटे छोटे लेंगे, ऐसा राउंड शेप लेंगे। और इसके अंदर बाद में हम सिलेंडर शेप करेंगे, ओवल शेप या सिलेंडर शेप जो भी बोलते हैं। इसके अंदर से हम आराम से थोड़ा आगे स्ट्रॉ को लगेगा ये खीमा, और इसको अंदर डालकर थोड़ा ऐसा राउंड राउंड करेंगे ताकि बड़ा राउंड हो जाए अंदर से और हमारा कबाब कच्चे नहीं रहे, ठीक है। और ये देखो सारे कबाब हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, मेरे कबाब रेडी हो गए। यहाँ पर हम 2-3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैंने पहले से ये फ्राई पैन को गर्म के लिए रखी हूँ, ठीक है। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें कबाब डाल देंगे फ्लेम को लो करके। अभी फ़िलहाल मैंने फ्लेम और बढ़ा दी हूँ ताकि तेल अच्छे से जल्दी जल्दी गर्म हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। न्यू कमर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह और रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी। और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। देखें अपने ये कबाब को हम ऐसा डाल देंगे, दूर दूर डालेंगे थोड़ा। और फ्लेम को अभी मैंने एकदम लो कर दी, क्योंकि जब हम एकदम गर्म फ्राई पैन में और ऑयल में ये डालेंगे ना तो उसी वक्त ये अंदर से पकना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसको आहिस्ते आहिस्ते ऐसा टर्न करेंगे, ये गोला कबाब की एक खासियत है, ठीक है। उसका पानी हम छोड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम पहले फ्राई पैन को एकदम अच्छे से ज़्यादा गर्म करेंगे और उसके बाद तेल तो एकदम कम लगता है इसमें, और जिधर जिधर हमको कच्चे लग रहे हैं
अभी ऐसा जैसे पलटाने के बाद भी तो हम वो साइड में पलटाते रहेंगे। ये देखो ऐसा एक तरफ से 2-3 मिनट और एक तरफ से 2-3 मिनट, बस 5-6 मिनट में तो कबाब रेडी हो गए। तो थोड़ा 2 मिनट के लिए सब कवर कर दो अगर ऐसा लगता है तो, क्या कबाब कच्चे रहेंगे, लेकिन कबाब बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। हम सारे और बनाते जा रहे, बस मैं थोड़े और बनाकर आपको प्लेटिंग करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने ये पेपर स्ट्रॉ ली हूँ और इसको नॉर्मल ऐसा करके और बीच में से सिर्फ हमको बड़ा थोड़ा होल करना है स्ट्रॉ से, ठीक है। ये देखो ये ऐसा बड़ा होल दिखना चाहिए। हाँ, हम सारे ऐसे करते और उधर ही भी हिलाते जाते हैं। मैंने आपको बोल दी हूँ 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में कबाब रेडी हो जाते हैं। देखिए इतनी ज़बरदस्त इसमें सभी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप कलर देखिए कितना अच्छा हो गया इसका। अब ये रमज़ान शरीफ की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर रमज़ान में ये गोला कबाब बनाना। आपको जैसा भी जिधर से भी लग रहा है कि ज़रा कच्चे, तो हमको उधर से उस तरफ से टर्न कर लेना है। पहली बात ये कच्चे रहेंगे ही नहीं, हमने बीच में से भी होल कर दिए और फ्लेम हमने लो रखी, ठीक है ना। और सबसे पॉइंट वाली बात ये है कि हमको जिस चीज़ में पकाना है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और तेल भी अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि हम कबाब डालते ही ये सेट हो जाए। ये देखो निकाल लेंगे इसका ऑयल ले करके, और यही ऑयल में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लच्छेदार प्याज डालेंगे। एक प्याज डाल देंगे इसके अंदर और फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे, दिखेंगे बहुत अच्छी। और इसके अंदर हम ये कबाब छोड़ देंगे वही ऑयल में 2-3 टेबलस्पून में हमने ये सब कर दिया। अब इसको थोड़ा पकने देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप एक तार में बनाइए, आप कोई पार्टी में बनाइए, ईद के दिन बनाइए, ज़बरदस्त कबाब रेडी। फ्लेम को थोड़ा मैंने बढ़ा दी हूँ, ये दी। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको सर्व कर देते हैं। अब इसको भी आप पराठों के साथ, आपकी पसंद की कोई भी चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको खाना है आप खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कबाब बन गए, आप लोग भी ऐसा ही बनाना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।